कि एक समाजवादी पार्टी ही है जिसके नेता, चाहे वो अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, रामगोपाल यादव हो, बाबा को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, एक चीज मान के चलिए, पहले तो अनुराग मुस्कान जी, जब किसी दल के दो लोगों को मत बुलाया कीजिए। अगर आपने उनको बुलाया था तो आप उनसे फिर हमें क्यों बुलाया था आपने? वो हमारे साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए जुड़े थे, आप हमारे साथ पूरी डिबेट में रहेंगे अनुराग भदौरिया? नहीं, 5 मिनट के लिए जुड़े हैं। अरे अब आपको मैंने क्लियर कर दिया, अब आप मुद्दे पर आ जाइए। नहीं, तो आप मुझे बताते। नहीं, मेरे को ये डिबेट पूरे घंटे का नहीं है सर। एसटी हसन साहब सिर्फ 5 मिनट के लिए थे, आपको बताता आप नहीं आते। समाजवादी पार्टी का कौन प्रवक्ता होता फिर यहाँ पर? ऐसी राजनीति मत किया कीजिए, ये गंदी राजनीति है। ये किस तरीके की राजनीति है सर? को बुला के और आप ये किस तरीके की राजनीति है? वो पूर्व सांसद रहे हैं, आपसे वरिष्ठ हैं, आपसे वरिष्ठ हैं। अरे वो हमारे सम्मानित हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर इसमें राजनीति क्या है? नहीं, उनको डिबेट में रखिए ना। राजनीति तो बाबा को क्लीन चिट देना है सर। सम्मान कर दो। राजनीति तो बाबा को क्लीन चिट देना है सर। एक ही अनुराग भदौरिया सुने, एक राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है। किस तरीके की राजनीति है सर? बाबा को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? जैसे आपको आपको शर्म आनी चाहिए कि आप राजनीति कर रहे हैं मेरे साथ। वह हमारे सम्मानित हैं, सीनियर नेता है, जब उनको बुलाया तो मेरी जरूरत ही नहीं है। वो पूरी बात मैंने आपको अनुराग भदौरिया क्लियर कर दिया। मेरे पास आपका ऑडियो क्लियर आ रहा है, आपके पास मेरा भी ऑडियो क्लियर जा रहा होगा। एसटी हसन हमारे साथ 5 मिनट के लिए थे, आप पूरे घंटे के लिए। दोनों बातों में फर्क है, 5 मिनट और 50 मिनट में अंतर जानते ना आप? एक जीरो का अंतर है पूरा। आप उनको नहीं, हमारे मेरी बात सुनिए, ज्यादा राजनीति मत कीजिए, वो हमारे सम्मानित है। अरे कमाल कर रहे हैं यार आप, राजनीति का ठेका आपका भैया, मेरा नहीं है। मेरा काम एंकरिंग का है, मेरा काम एंकरिंग का है। अनुराग भदौरिया, राजनीति आपका काम है। एंकरिंग नहीं कर रहे भाई, एंकरिंग कर रहे होते तो आप दो लोगों को, हम एक पार्टी से दो लोगों आपको जवाब देना है या मैं किसी और गेस्ट के पास जाऊं? मुझे पता है इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। नहीं, थोड़ा कठिन प्रश्न पत्र आ गया है आपके लिए, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे सम्मानित डिबेट करेंगे, बदतमीजी मत करो। तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बकवास मार रहे हो। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको सम्मान के साथ इस डिबेट में बुलाता हूँ, कभी आपका सम्मान नहीं करता। बट अगर आप सवाल से बचने के लिए मुझ पर बदतमीजी का आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सेफ पैसेज दे रहा हूँ, आप जा सकते हैं। जो सवाल मैं, अगर आप जवाब देना चाहते हैं, मैं पूरी डिबेट में आपके साथ रहूंगा। आप मेरे बहुत सम्मानित मेहमान हैं। जब वो डिबेट में आ गए हैं तो वो डिबेट करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सम्मानित हैं वो, उनके सामने। मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, वो डिबेट में नहीं है, सिर्फ 5 मिनट के लिए जुड़े हैं। मुझे पता है सवाल का जवाब बहुत कठिन है, आप नहीं दे पाएंगे अनुराग भदौरिया। आपका भाग जाना ही डिबेट से बेहतर है, आपका डिबेट से भाग जाना ही बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जैसे अनुराग भदौरिया, आज मैं आपके हौसले की कदर करता हूं कि आपने माना कि भाग जाना बेहतर है जवाब देने से। नहीं, अब नहीं, अब तो आपने माइक ही निकाल दिया। अब आप क्या चिल्ला रहे हैं? अब आप माइक निकाल चुके, अब आपका आवाज नहीं आ रहा सर। बड़े नेता आ गए तो आप अपने आप को छोटा क्यों समझ रहे हैं सर? मैं तो आपको भी बड़ा नेता मानता हूं। आपके बड़े नेता आ गए तो आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों हो गए अनुराग भदौरिया? यार अनुराग नाम के लोग ऐसे तो नहीं होते। Zee News.